हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये हमारी बेटा इंग्लिश की वर्कशीट है 5th क्लास के लिए, जिसकी जो डेट है वो है 26 दिसंबर 2020, और हमारा जो सीरियल नंबर है वो है 141 141। इसमें हमारा जो चैप्टर यूनिट चल रही है वो 8, लिटिल बुली। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, हमेशा रहिए। इन द स्टोरी लिटिल बॉय हरीज बैड बिहेवियर मेक्स हिम फ्रेंडलेस, के जो हरी था उसके बैड बिहेवियर ने उसको फ्रेंडलेस रखा, मतलब उसके पास कोई दोस्त नहीं था। फ्रेंडलेस चाइल्ड विच मीन्स ही हैज़ नो फ्रेंड, इसका मतलब है कि उसके मतलब फ्रेंडलेस का मतलब होता है कि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट्स ऐड लेस, अब हमें क्या LESS ऐड करना टू वर्ड्स गिवन विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट्स के जो अंदर हैं उनके साथ, टू मेक न्यू वर्ड्स। अब हम क्या है, जॉन इज अ फियर लेस, यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे हम FEARLESS फियर लेस बॉय, कि वो बहुत ही निडर, मतलब उसको डर नहीं लगता, ऐसा बॉय है। अब दूसरा क्या है कि मुस्कान इज़ वेरी केयरलेस अबाउट हर थिंग्स, मतलब वो केयरलेस, उसे अपनी चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, केयरलेस थिंग्स। अयान फाउंड हिज पुडिंग टेस्टलेस, अयान को जो अपनी पुडिंग थी जो खा रहा था वो बिल्कुल टेस्टलेस लगी, मतलब बिल्कुल ही बेकार लगी, टेस्टलेस। अब है कि मोहन इज़ फीलिंग रेस्टलेस, मतलब जो मोहन था उसको बहुत ही मतलब रेस्टलेस लगा, मतलब उसको बेचैनी से लगी, रेस्टलेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि लिटिल पपीज़ आर सो हेल्पलेस, जो लिटिल पपीज़ होते हैं वो बहुत ही हेल्पलेस होते हैं, हेल्प माने हेल्प किसकी मदद करना, और लेस लग जाता तो मतलब कि वो बहुत ही एहसास महसूस किया। तो हमने सबका लगा के और मीनिंग भी आपको बता दिए कि जॉन इज़ अ फियरलेस बॉय। सेकंड क्या है, मुस्कान इज़ वेरी केयरलेस अबाउट हर थिंग्स। सी क्या है, आयान फाउंड हिज पुडिंग टेस्टलेस, मिस्टर सोहन इज़ फीलिंग रेस्टलेस, एंड लिटिल पपीज़ आर सो हेल्पलेस। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि हरी वाज पिंच टिल ही वाज ब्लैक एंड ब्लू, कि हरी को जब तक पिंच होता रहा जब तक कि वो ब्लू ब्लैक नहीं हो गया, मतलब वो मतलब उस पर बहुत सारे मतलब कहते हैं ना बहुत ही निशान नहीं पड़ गए। हेयर ब्लैक एंड ब्लू इज़ एन एडम, यहाँ पे क्या है जो ब्लू और ब्लैक है एडम है, मतलब मुहावरा है। इट मीन्स दैट ही वाज बैडली ब्रूज्ड, इसका मतलब कि बहुत बैडली ब्रूज्ड, मतलब उस बहुत सारे नीले जैसे कहते हैं निशान निशान पड़ गए। लेट्स लर्न टू मोर एडम्स रिलेटेड टू दीज कलर्स, अब हम दो एडम्स और पढ़ते हैं इस कलर के साथ। ब्लैक शीप, एक एडम होता है ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब होता है कि एन ओड और दिस रिप्यूटेबल मेंबर ऑफ द फैमिली, एक तो ओड होता है मतलब सबसे अलग, जैसे देख रखा कि ये सारी जो ये शीप्स हैं ये क्या अलग हैं, ये एक काली है या बहुत कुछ भी हमारी चीज़ है वो एक जैसी है बट एक अलग है, तो वो क्या ओड हो गई। और डिसरेप्यूटेबल के एक वो व्यक्ति जिसके जो मेंबर में कोई भी उसकी मतलब इज्जत नहीं है, मतलब वो बेकार है, वो होता है ब्लैक शीप। और दूसरा क्या है कि वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या है, समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, कि वो चीज़ जो बहुत ही रेयरली मतलब बहुत ही कम होती हो, ठीक है, उसको बोलते हैं वंस इन अ मून। इसके वैसे बोलते हैं ना ईद का चांद होना, मतलब ईद का चांद मतलब वैसे चांद निकलता है लेकिन ईद का चांद जब होता है बहुत ही लेट निकलता है, ठीक है, मतलब बहुत ही रेयर कर हो निकलता है, इसका मीनिंग इस सेंस में लेंगे। क्या मतलब है कि समटाइम्स समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, कि जो वो चीज़ जो बहुत ही कम होती हो उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। अब है कि नाउ लेट्स फ्रेम एंड राइट वन सेंटेंसेस यूजिंग ईच ईडम, अब हमें ये ईडम को यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना, तो हम बनाते हैं इसका, बनाएंगे हम कि टॉम इज़ द ब्लैक शिप ऑफ हीज फैमिली, कि वो अपनी फैमिली का क्या है ब्लैक शिप है, मतलब किसी भी काम का नहीं है। ऊपर लिखने से ऊपर से लिखते हैं कि टॉम इज़ The black sheep of his family, वो अपनी फैमिली का मतलब ब्लैक शीप है, मतलब किसी भी काम का योग्य नहीं है। ठीक है, हमने ये सेंटेंस बना दी, ये आप बच्चे यहाँ से लिख ली। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हमें वंस इन अ ब्लू मून बनाना, तो मैं क्या लिखूँगी, आई सी हर वंस इन अ ब्लू मून, कि मैंने उसको बहुत ही रेयरली देखती हूँ, ब्लू मून। ठीक है, तो हमारे दोनों हमने सेंटेंस बना लिए। ठीक है बच्चों, आप चलते हैं आगे
कि शीतल वॉज क्वाइटली ईटिंग हर लंच, के वो बहुत ही शांति से अपना खाना खा रही थी। सडनली हरी केम एंड पिंच्ड हर, अचानक से अली आया और उसको पिंच करने लगा। शी क्राइड आउट लाउडली एंड क्विकली वेंट टू टेल हर टीचर, कि जब उसने अपने टीचर को बताया तो लाउडली और क्विकली वो क्या है उसने उसको बताया, रोई वो। द वर्ड्स क्वाइटली सडनली लाउडली क्विकली टेल अस हाउ एन एक्शन इज बींग डन, कि ये जो हमें वर्ड्स हैं ये हमें बता रहे हैं कि एक्शन किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं। नाउ लेट्स अस एड एल वाई, अब हमें क्या है एल वाई एड करना है इन शब्द वर्ड्स के अंदर, एंड दीज वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस, और इनसे हमें सेंटेंस बनाना है। एक सेंटेंस हमें बना कर दिखा रहा है ब्राइट, क्या होगा ब्राइटली, कि द सन इज शाइनिंग ब्राइट, के जो सन है वो बहुत तेज चमक रहा है। एज ए स्लो का क्या हो जाएगा स्लोली एल वाई, तो हम टोर्टोइस के बनाएंगे टोर्टोइस रन स्लोली, टोर्टोइस रन स्लोली, जो टोर्टोइस है वो जो है स्लोली भागता है स्लोली, ठीक है। इसको आप लिखे और फिर मैं बटो रही हूँ। नेक्स्ट है सॉफ्ट, सॉफ्ट का क्या हो जाएगा सॉफ्टली, ठीक है। इसका बन जाएगा वी शुड, वी शुड स्पीक सॉफ्टली, कि हमें बहुत ही आराम से बोलना चाहिए, स्पीक सॉफ्टली, ठीक है। इसको यहाँ से आप देख के लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है केयरफुल, तो क्या हो जाएगा इसका केयर फुली, ठीक है। और का सेंटेंस हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे आई एम लिसनिंग, के मैं सुन रही हूँ, आई एम लिसनिंग केयरफुली, कि मैं केयरफुली बहुत ध्यान से सुन रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पूरे, हमने इनका एल वाई भी लगा लिया और सेंटेंस भी एक एक के हमने बेटा बना दिया, ये हमारा पूरा हो गया। अब हम ये देख लेते हैं अभिभावक के लिए क्या सुझाव है, कि बच्चों को बताएं कि बच्चों की हल्की फुल्की शरारतें बेशक मन को आनंदित करती हैं, परंतु इन शरारतों से किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, कि बच्चे आप मजाक तो करें लेकिन उतना ना करें कि जिससे किसी को हानि पहुँचे। अगर किसी को हानि पहुँच रही है तो वो मजाक मजाक नहीं होता, वो एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान से आप सोचें इस बारे में। और बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी, तो लाइक का बटन दबा के हमें ज़रूर बताइए। और साथ में बच्चों, जो बच्चा नया है हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके हमारा बेल आइकन भी हिट दबा लीजिएगा बच्चे। और जो बच्चे हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं सराह रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं। और आपसे बच्चों एक ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो खुश रहिए, खाइए पिए और कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। कहीं जाए मास्क लगा के जाएँ, 2 गज दूरी का ध्यान रखें और नियमित रूप से अपने हाथों को पानी व साबुन से धोएं, ठीक है बच्चों। अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, बाय बच्चों।